उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी न्यूज़ हैं आज की उनको हम लोग देखेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद की जो भी विद्यालय हैं उनमें कक्षा 4 और 5वीं के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने की प्रक्रिया तेज की गई है। इसके लिए राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से तैयारी निर्देशिका को अनुरूप कक्षाओं में साक्षात्कार कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं पर इन नियमित समय सारणी के अनुसार भाषा एवं गणित शिक्षण के लिए क्रमशः 1-1 घंटे की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके लिए परिषदीय विद्यालयों की कक्षा 4 और 5 के 2-2 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसके बाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं की ओर से ये कार्यालय आदेश निकाला गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण आदेश है, 4 जुलाई 2023। तो इसमें क्या है, श्रावण मास प्रारंभ होने एवं शिव भक्तों की सुरक्षा की दृष्टिगत शासन प्रशासन ने रूट डायवर्जन किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय बदायूं की अनुमति उपरांत तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय, चाहे वो प्रसदी हों, मान्यता प्राप्त हों, सहायता प्राप्त हों, सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 15 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक बंद रहेंगे और इसका अनुपालन करने के लिए कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 14 तारीख को संभल जिले में बंद रहने के आदेश दिए गए थे। अमरोहा ज़िले में भी 13, 14 और 15 जुलाई को अवकाश रहेगा। यहाँ पर ये आदेश साफ साफ कर दिए गए। ये भी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत यहाँ पर आदेश ये किए गए हैं। बेसिक शिक्षा के सभी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, CBSE, संस्कृत बोर्ड, सभी विद्यालय बंद करने के आदेश दिए गए, जो भी विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक संचालित हैं। इसके बाद में यहाँ पर चिकित्सा अवकाश के संबंध में वेतन बाधित किए जाने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया था। पुराना आदेश है, इसको हम समझ लेते हैं क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसमें क्या है, आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि विदित है। मानव संपदा सर्विस बुक दिनांक 2016-1-2023 के माध्यम से संज्ञानित हुआ है कि अमित कुमार भारती सहायक अध्यापक, जिनकी ID भी दी गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक विद्यालय सैदपुर ब्लॉक मबई जनपद अयोध्या के दिनांक 27-4-2022 से दिनांक 11-5-2022 और दिनांक 14-5-22 से 17-5-2022 तक चिकित्सीय अवकाश पर उपभोग किया गया था, परंतु उक्त अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है तथा एरियर भुगतान करने हेतु अमित कुमार भारती सहायक अध्यापक के आवेदन के क्रम में अग्रिम कार्रवाई आपके कार्यालय स्तर से की जा रही है। तो इसमें बात क्या है, आप इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर चिकित्सा अवकाश का आवेदन और चिकित्सीय परामर्श पत्र प्राप्त होते ही उस पर निर्णय, यानी कि स्वीकृति अथवा अस्वीकृति लिया जाएगा। वेतन अवरुद्ध कदापि नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर आदेश दिया गया है। तथापि वेतन भुगतान किन परिस्थितियों में बाधित किया गया है, कृपया इस संबंध में यदि कोई दोषी है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए 1 सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में इस प्रकरण की आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें। भावदीय विजय किरण कुमार आनंद, राज्य परियोजना निदेशक का ये आदेश निकाला गया है।